सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए चार्ट में क्या बनाए, ठीक है। वो चीज़ बनाओ जबकि आपको टीचर भी खुश हो जाए और वो चीज़ बनाओ जिससे आपको एग्ज़ाम में भी फायदा हो जाए, ठीक है। हम दोनों बात करेंगे कि इसके बनाने का क्या फ़ायदा है आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको बनाना है वन डे ग्राफ। देखिए इस बार जो वन डे ग्राफ है वो ये इसका अगर आप चित्र बनाते हो तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी इजी भी है। तो आपको वन डे ग्राफ बना लेना है। इसके बाद आपको जो सेकेंड होता है वो है प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र जो होता है उसे आपको बना लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ों को बनाओगे तो ये सब चीज़ें जो होती है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। इसके साथ ही साथ ट्रांसफार्मर भी आपको बना लेना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से जितने भी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबका एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। डाल दिया हूँ ट्रांसफार्मर का भी, डाल दिया हूँ हर एक चीज़ का डाल दिया हूँ कि ट्रांसफार्मर रिलेटेड बाइबा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो ट्रांसफार्मर सबसे इजी होता है और लगभग लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं और ट्रांसफार्मर से काफी ज्यादा क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठते हैं जो कि आपको याद होंगे जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपको बना लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपको चार्ट में बनाने के लिए चल कुंडली धारा मापी, इसको भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा है जो कुंडली धारा मापी, ये सब चार्ट में बनाए जाते हैं। और देखो इसको बनाने के ये भी फायदे हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये सब टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में आता है कि चल कुंडली धारा मापी का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इन सबको आपको बनाना है, इसकी ये भी फायदा होंगे। फिर इसके बाद ये तो वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट है मीटर सेतु, ठीक है। मीटर सेतु जो होता है इसको भी आपको बना लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड बाइबा में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने बना रखा ऑलरेडी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल से। इसके बाद पूछेगा आपको वीट स्टोन सेतु, ठीक है। वीट स्टोन सेतु से रिलेटेड बाइबा में पूछे जाने वाले प्रश्न ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपको चार्ट में बनाना है चूक कुंडली, ठीक है। चूक कुंडली आप बनाओ, बहुत ईजी है और बहुत अच्छा भी है, इससे रिलेटेड बहुत कम 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इन 10 क्वेश्चनों का मैं बता चुका हूँ वीडियो। इसके बाद है विभव मापी, आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आप चार्ट में बना सकते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसके सभी के फायदे क्या है बनाने का, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम इससे अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 5 से 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में फायदे हो जाएंगे और चित्र भी अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस हो जाएगा जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसके साथ ही साथ आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, इससे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगी, इसके बारे में आप पढ़ भी लोगे, इसके बारे में जान भी लोगे, तो साथ ही साथ आपके इस तरह से देखें तो बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इससे फायदे होने। तो आप इन सब चीजों को चार्ट जरूर बनाएं, ठीक है। चार्ट बनाएं और इससे रिलेटेड सभी टॉपिक को लर्न कर ले। हमारे ये चैनल जो है इस पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगी, यार एक एक वीडियो को यहां से जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।